Welcome to MD Online Classes. चलिए देखते हैं। श्री कृष्ण अब यहाँ बड़े हो गए हैं और अपनी माता से कहते हैं कि मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊँगा, मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊँगा। सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि जो बालक श्री कृष्ण की स्वाभाविक बालहट है उसको दिखाया गया है, तो ये कहते हैं कि बाल हट और उसके ग्वाल बालों के साथ वन में जाना, गाय चराना, ये बाल हट जो ऐसा बच्चे ना बहुत साधारणतः ऐसा करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भी हट को इस प्रसंग में लिख लेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। श्री कृष्ण का अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गायों को चराऊंगा, मैं अपनी सब गायों को चराऊं मीन्स चराऊंगा। प्रातः हो तो बल के संग जई हूँ, इन प्रातः काल होते ही मैं अपने भैया जो बलदाऊ हैं उनके साथ वन में गऊओं को चराने के लिए मैं जाऊंगा। तेरे कहने से मैं नहीं रहूंगा, कितना हो तुम कह लो, मैं घर नहीं रहूंगा। अपने भाई जो भैया हैं बलदाऊ उनके साथ गाय चराने, सारी गाँव को चराने जाऊंगा और मैं तेरा कहना नहीं मानूंगा। फिर ग्वाल बाल गाय इनके भीतर नैका डर नहीं लागत, कहते हैं कि मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच डर नहीं लगता है, जैसा कि तुमने कहती हो डराती हो वो सब मिथ्या है। मैं अपनी जो गाय हैं ग्वाल बाल हैं उनके साथ रहूँगा, उनके पास रहूँगा, मुझे नहीं डर लगता है उनके साथ रहना, जंगल में रहना मैं थोड़ा भी डरता नहीं हूँ। तू जो डर की बात कहती हो ये सब व्यर्थ है, सब झूठ है, मैं अब नहीं मानूंगा। फिर कहते हैं और ग्वाल जो यहाँ पे आज न सोवाऊ नंद दुहाई, दुहाई में सोता है सौगंध दिन, नंद बाबा का सौगंध लेकर कहते हैं कि देखियो देखो मैं किसी भी आपके बात में नहीं आऊँगा और आज नहीं सोऊंगा, रात में नहीं सोऊंगा। रैन मीन्स रात भर रहूंगा, जागत रात भर जागता रहूंगा ताकि जब भी वो लोग उठे जाने के लिए तो मैं भी चला जाऊं, नहीं तो मैं सोया रह जाऊंगा और वो लोग गाँव गाँव बाल बाल जो हैं गायों को लेकर चले जाएंगे और मैं घर पर ही रह जाऊंगा। इसलिए वह कहते हैं कि मैं नंद बाबा का सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर जागा रहूँगा और जाग कर ही पूरी रात उनको देखूंगा कि वो कब जा रहे हैं। तो प्रातः काल जब भी वो जाएंगे तो
तो मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। दूसरे जितने भी जो ग्वाल वाले हैं वह गौ को चराने के लिए वन में जाएं, तो मैं ऐसा ना हो कि घर पे ही छूट जाऊं, बैठा रह जाऊं और वो लोग चले जाएं। इसलिए मैं सोऊंगा नहीं, रात भर जागूंगा और देखूंगा सूर श्याम तुम सोई रहो। अब फिर उसके बाद माता यशोदा उनको समझाते हुए कहती हैं, तो फिर सूरदास जी के शब्दों में माता यशोदा कहती हैं कि बालक श्री कृष्ण के जो हठ हैं उनको देखते हुए कहती हैं कि जो भी तुम कह रहे हो ठीक है, बात मान जाती हैं और कहती हैं कि हे श्याम तुम अब सो जाओ और जब प्रातः काल होगा, प्रातः जान मैं दय हूँ, तब मैं तुमको गऊ को चराने के लिए वन में जाने दूंगी, अभी तुम सो जाओ। और सोने के लिए कह करके उनको सुला देती हैं। यहाँ कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैया होने चरहु गाय, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक लगा दीजिएगा। इसको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं है, सब सा कहीं थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस, जैसे दुहाई है इसमें एक सौगंध है, ये रैनी मीन्स रात है, और सब कहीं फंसने वाला नहीं है। फिर देखते हैं काव्य सुंदर। काव्य सुंदर में लिखेंगे हम विशेषता में कि श्री कृष्ण की जो गौओं को चराने की, गौचारण की बालहट है, वह ही बड़ा ही मनोवैज्ञानिक है, वह मनोहारी है। और फिर आगे लिखेंगे भाषा सहज सरल ब्रज है, शैली मुक्त काव्य है, छंद की पद है, रस यहाँ भी वात्सल्य है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास है। तो आशा है आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स।